दुमका को शर्मसार कर देने वाला दुमका पेट्रोल कांड का मामला अब कोर्ट में है। कल आरोप गठित हुआ था। इस मामले के जो दो आरोपी थे, शाहरुख और नईम उर्फ छोटू, अपने आरोप से इन्होंने इनकार कर दिया है। जो वो पुलिस के समक्ष जो अपना स्वीकृति बयान दिए थे, उस बयान से वो मुकर गए। हम आपको बता दें, इस तरह के मामले में जो पुलिस के पास बयान दिया जाता है और उनके आरोप को कोर्ट में उसे पढ़ के सुनाया जाता है, ये आप पे आरोप है, आप आरोपी हैं इस मामले में, उस समय लगभग अपराधी अपने इस आरोप से मुकर जाते हैं। उसी तरह शाहरुख और नईम भी उस आरोप से मुकर गए। ट्रायल शुरू हो चुका है, आज एक गवाह का इसमें गवाही भी हुआ है, 26 गवाहों का भी गवाही होना बाकी है। कल के बाद आज लगातार इस केस पर अब सुनवाई हो रही है। इसके विपरीत एक ट्रायल जो है यूट्यूब पर भी चल रहा है। इसको लेकर के राजनीति हो रही है, दुमका से लेकर के बम्बई तक के लोग राजनीति कर रहे हैं। कितना प्रभावित होता है इस तरह के वाद विवाद से, कोर्ट का फैसला पे क्या असर पड़ता है, इन सब पे बात करेंगे। जो पीड़िता हैं इस कांड की, जो पीड़िता है उनके वकील हैं जैन सिन्हा जी। जो मामला है पूरा, इस मामला को लेकर के बहुत तरह का बात आ रहा है सोशल मीडिया पे, इस तरह इसको किस तरह से देखते हैं? जो सोशल मीडिया पे जो बातें आ रही हैं और जो ट्रायल चल रहा है, दोनों में बहुत का अंतर है। उसमें से कोई तथ्य नहीं रहते हैं। वो लोग जो हैं जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, उन लोगों का अपना एक व्यू है, वो उससे कोर्ट से वो ज़्यादा रिलेटेड नहीं है। वो ये जो आरोपी थे इस मामले के, नईम और शाहरुख, आरोप गठित हुआ लोग कल सुनते हैं कि वो अपने मुकर गए आरोप से। जी, वो लोग आरोप से गठन हुआ, वो आरोप का गठन किया गया। वो लोग जो है, जो उनके ऊपर जो अभियोग लगाया गया था, वो इनकार किया गया, इसलिए कोर्ट में अब ट्रायल चल रहा है। आज एक हम लोग गवाह उसमें एग्जामिन किए हैं, कल भी होगा, परसों भी किया जाएगा उस पर। तो जो मुकर गया है अपने बात से, इसमें आपको क्या लगता है कि? नहीं, देखिए, उनके विरुद्ध में दोनों जो हैं अभियोगी हैं, दोनों के विरुद्ध में पुख्ता सबूत है। और हम लोग जो 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 इन्वेस्टिगेशन में जो आया हुआ है, उसको हम लोग जो है ऑन द रिकॉर्ड करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि उनको जो है, जो उनका जो है वो सजा उसमें किया जा सके। आप वकील हैं, किस तरह की सजा के लिए आप लड़ रहे हैं? हम लोग उसको मैक्सिमम जो है उसको लड़ रहे हैं। ये कोर्ट को हम लोग कहेंगे कि ये रेयर ऑफ द रेयर केस को इसको ट्रीट किया जाए और इसमें कैपिटल पनिशमेंट भी किया जाए। निसंदेह जो हम लोग जो वकील साहब जैन सिन्हा जी से बात कर रहे थे, इनका कहना है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है और ये एक मौत की सजा का ही उस पर मांग करेंगे। जैसे लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह।